आज की हेडलाइन पर, विमान दुर्घटना यू एंड डीपी की सलाहकार सहित चार भारतीयों की मौत, महिला टीआईई ने पति पर चलाई गोली, नक्सलवादियों ने की स्कूल टीचर की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। विमान दुर्घटना यू एंड डीपी की सलाहकार सहित चार भारतीयों की मौत हो गई है। अदिस अबाबा इथियोपियन एयरलाइंस विमान हादसे में मारे गए लोगों में पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित यू एंड डीपी की एक सलाहकार सहित चार अन्य भारतीयों की मौत हो गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये बात कही। बता दें कि बोइंग 737 ने रविवार सुबह 9 नैरोबी जाने के लिए अदिस अबाबा से उड़ान भरी, लेकिन इसके कुछ मिनट बाद ही विमान एक हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार 149 यात्रियों और चालक दल के 8 सदस्यों की मौत हो गई। साथ ही साथ इस घटना से बचे ग्रीस के एंटोनियो माउरोपाउलस खुशकिस्मत रहे, वो सिर्फ 2 मिनट की देरी से पहुंचे, लिहाजा उन्हें डिस्पोजर ग्रेट से अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने सुरक्षा गार्ड से विरोध भी जताया। बाद में विमान क्रैश हो जाने की बात चलने पर उन्होंने फेसबुक पर लिखा, आज मेरा भाग्यशाली दिन था। इस तरह ग्रीस के एंटोनिया माउरोपाउलस की जान बच गई। महिला टीआईई ने पति पर चलाई गोली, अवैध संबंध का मामला। बलौदा बाजार आपसी विवाद के चलते महिला टीआईटी ने अपने ही पति पर गोली चला दी। पति गंभीर रूप से घायल है, रविवार को मेकाहार अस्पताल में रेफर किया गया है। भाटापार में पदस्थ आरपीएफ टीआईटी सुनीता मिंच अपने पति दीपक श्रीवास्तव को अवैध संबंध के शक में सुनीता ने गोली चलाई है। सुनीता मिंच को शहर थाने लाया गया है। दीपक श्रीवास्तव पर 3 राउंड फायरिंग की है। पति रेलवे में कर्मचारी बताया जा रहा है। आरोपी टीआईई को गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सलवादियों ने की स्कूल टीचर की गोली मारकर हत्या। गढ़चिरौली यहाँ के ढोल डोंगरी मुर्गा बाजार में सशस्त्र तरीके से नक्सलवादी ने एक स्कूल टीचर को गोली मारकर हत्या कर दी है। योगेंद्र मेश्राम ऐसा उस टीचर का नाम बताया जा रहा है। कोरची परिसर में पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले कोलगुल पुलिसर मदद केंद्र से ढोल डोंगरी यहाँ रविवार की शाम 5:30 बजे ये घटना घड़ी है। मेश्राम हर शनिवार रविवार को कस्तूरबा चंदू देवगढ़ ये उनकी पत्नी से मिलने जाते थे। इसके चलते यह वारदात नक्सलवादी ने अंजाम दिया है। अभी तक इस मामले का पता नहीं चल पाया है कि यह की घटना किस तरीके से की गई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए।